तो गाइस दीपक भाई अपना सर पकड़ के बैठ गए हैं यहाँ पे, पता नहीं कौन से खड्डे में बाइक मारी है उन्होंने, उनका जो अलॉय आगे का वो बेंड हो चुका है, हवा निकल गई है, हमने पत्थरों से उनको ठोक ठोक के थोड़ा सीधा करने की कोशिश की है लेकिन वो हुआ नहीं है। अब दीपक एक बार फिर से धाराशाही। हमें 15 मिनट हो चुके हैं, अभी ये पहली नहीं लगी, हर भी इसका 3 और है। और ओह माय गॉड, ये पूरा जमा हुआ है। गया। ओ गई, दोनों गई। ओ भाई। लो चेन लगा के भी गिर गया भाई ये। तो भाई सामने वो जो पूरी सामने पहाड़ी पर आप देख रहे हो ना, दिख तक ये है हमारी वैष्णो देवी की चढ़ाई, और एक छोटा सा वाइट मंदिर दिख रहा होगा वो है हमारी अर्धकुंवारी, और ऊपर जो टावर दिख रहे हैं वो है हमारा मेन भवन से जो सांझी छत, यह सांझी छत, और इस पहाड़ के पीछे हमारा माता का भवन। क्या नज़ारा है यार, मज़ा आ गया। अभी हम पिछले दिसंबर में तो आए थे यहाँ पे। सुपर, तो बस अब हम यहाँ से माता जी के को क्या कह रहे हैं दूर से आशीर्वाद कर लेके, दर्शन लेके यहाँ से कट जाएंगे राइट साइड श्रीनगर की तरफ। ये चला गया हम घूम। अच्छा वो आया था ना पिछली बार भी, बोल आया था ट्रेन का ना। हाँ क्या बनाया यार, नेक्स्ट लेवल इंजीनियरिंग है भाई साहब। ये आ गया जी उधमपुर, और उधमपुर के एंट्रेंस से फुल उधम मचा हुआ है। ओए होए, डेयर डेविल हैं भाई साहब सरदार जी, यहाँ से निकाल के लेके गए हैं। गाइस यहाँ पर कुछ तो इशू हुआ है, क्योंकि सामने वो टर्नल है जो मेन बड़ी वाली टर्नल में पार करनी है पटनी टॉप वाली, लेकिन हमें यहाँ पर इन्होंने रोका हुआ है पुलिस ने। समझ नहीं आ रहा क्या बात है, बाइकर हमारे शायद पीछे रह गए हैं, फ्यूल फिल करवा रहे थे तो उस चक्कर में पीछे रह गए, बात हो गई हमारी। आगे से गाड़ियाँ आ तो रही हैं, इक्का दुक्का मे भी हमारा नंबर आने वाला हो। हाँ इस साइड से गाड़ी आनी शुरू हो गई है। मुझे नहीं पता, हमें तो था कि तुम ही आ गए हो, फिर कह रहे थे पेट्रोल के लिए आप लोग रुके थे, कभी पेट्रोल के लिए रुक रहे हैं कभी हवा भराने के लिए रुक रहे हैं, हमें देखे नहीं, हमारी सबसे बहुत आगे थे।40-50 मिनट के बाद इन्होंने हमें खोला है यहाँ पे, ट्रैफिक हमें नहीं खोला, यहाँ का ट्रैफिक खोला है। और अब हम चल पड़े टर्नल के अंदर, ये है इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट टर्नल। बनी हाल भैया ध्यान रखना, लगी वार्निंग आ रही है कश्मीर में बहुत ज्यादा एवलांच और स्नोफॉल होने की। हाँ कल से यह खतरनाक है हिसाब से, तो वही सब अरेंज करने जा रहे हैं। कहाँ रुक रहे हो, क्या देख लेना एक बार। अरे तो गाड़ी में सोएंगे पापा। हाँ तो आजकल कीचेन गाड़ी में लगा दी। नहीं बच्चे अभी वो तो लगाएंगे जब स्नो आएगी, अभी तो देखो अभी तो बाहर बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी हम श्रीनगर पहुंचेंगे आज रात को। निकल ले ले और ले लो, ले हल्की हल्की ले 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 ले
उतने नीचे हाईवे से अब इस मेन हाईवे पे आ गए हैं। ये सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है भयंकर, ये देख, वाओ यार व्हाट इंजीनियरिंग। नीचे चलिए, ब्यूटीफुल सी रिवर, ये दो भाई लोग और हिसाब का बहुत बढ़िया बना हुआ है। ये देख कैसे अटैच करेंगे, कहाँ से लाएंगे यार। सैल्यूट एयर इंजीनियर को भाई साहब, पिलर के साइज देखो यार, सच में कुछ देखो यार, ये देखो यार। पिछली बार जब हम आए थे ना यहाँ पर इतना बुरा फंसे थे, हमारे डेढ़ दो ढाई घंटे यहाँ बर्बाद हो गए थे धूप में वो भी, लेकिन आज की है। देखा है, देख है? इस साइड में ना दिल्ली में पूरा फ्लाईओवर बन जाता है। तो गाइस लेटेस्ट सूरत हाल है कुछ फ्रूटी फ्रूटी स्माइली है मेरी। क्या है कि हमने लंच नहीं किया है और लंच करने का कोई हिसाब किताब भी हम बन नहीं रहा है, और टाइम हो गया है 5:08 और अभी भी यहाँ से श्रीनगर है ऑलमोस्ट 5.5-6 घंटे की दूरी पर। तो फटाफट केले खा के पेट भरते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फूड है जो खाते चलते चलते हम खा सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। केले खाने के बाद बात करते हैं। दीपक, दीपक एक बार फिर से धाराशाही। ये आज तक का रिपोर्टर मैन। आगे वो क्या है, हवा भर भर थक गए, क्या बात कर रहा है, हवा भर भर थक गए। यहाँ पे देखो अभी कह रहे लकी पानी भरे, रिम बैंड कहाँ चला गया, पीछे चला गया गाड़ी, ये रहा ओ शिट रिम बैंड यार, ना सड़क पर ना स्टंट पैसे करने नहीं चाहिए आप लोग। लकी पाजी पहले इसके अंदर जीव डाल के ना इसका जो छेद है वो बंद करो। मैं पानी भर देता हूँ, काम कर रहा तो भर दो। ट्यूब है जीव 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 बंद कर दिया, लगाओ हम एलवी डाल देते हैं उसमें। मैंने बंद कर दिया, आप लोग बहुत छेड़ते दूसरे को। देखो ये लग गए, तुम क्या सोच रहे हमने करा नहीं, हमने बहुत किया भाई। वो निकालो बैग में से ना, वो है बैग में से वो निकालना है। पहले बता दो हुआ क्या है, रिम बैंड हुआ, गड्ढा आया कार के नीचे से, गड्ढा निकला और उसी में तो टप गई, ठोका उन्होंने, हवा निकल गई, धार करके एक ही बार में हवा निकल गई। इसको कहाँ ढूंढेंगे, नहीं नहीं फोन आ गया, वो रुका है, रुका है, आ गया पीछे, क्या पीछे आके क्या करेगा, रुके रहे तो कुछ नहीं है। चलो गाइस देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं। डोमिनार का टायर हो गया, धाराशाही रिम बैंड हो गया, हवा निकल गई पूरी, हमारे पास नहीं है। तो गाइस दीपक भाई अपना सर पकड़ के बैठ गए हैं यहाँ पे, पता नहीं कौन से खड्डे में बाइक मारी है उन्होंने, उनका जो अलॉय आगे का वो बैंड हो चुका है, हवा निकल गई है। हमने पत्थरों से उनको ठोक ठोक के थोड़ा सीधा करने की कोशिश की है लेकिन वो हुआ नहीं है। अब हवा उसमें कैसे भरेंगे और कैसे आगे जाएंगे पता नहीं है। प्रतीक भाई हमारा आगे जा चुका है, उसके पास फ़ोन नहीं है, फ़ोन तो है उसमें नेटवर्क नहीं है, उससे कैसे कॉन्टैक्ट हो पाएगा ये नहीं पता। गाड़ी हमारी पीछे खड़ी है वहाँ पर, और भसूड़ी इतनी है कि ट्रक ही ट्रक है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, टू मच धूल ही धूल है, धूल ही धूल है। तो गाइस लेटेस्ट सूरत हाल थोड़ा सा टाइट है, क्योंकि दीपक भाई की बाइक हो गई है इंजर्ड, और हमारा सनी भाई क्या हुआ है ट्यूब लेने, यहाँ हमें ट्यूब नहीं मिली है, और अभी हम श्रीनगर से 80 किलोमीटर ऑलमोस्ट पीछे हैं, और कब श्रीनगर पहुँचेंगे कुछ कह नहीं सकते। पीछे हमारी बाइक हो रही है ठीक, ये देखो भाईजान लगे हुए हैं पूरी मेहनत के साथ, और सनी अभी ट्यूब लेने आगे गया हुआ है, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, धूल मिट्टी बहुत भयंकर है, और ये भाई 10 किलोमीटर से वापस आया है और कह रहा है कि आगे खतरनाक ठंड है। कितनी ठंड है भाई, अच्छा खासा है यहाँ पे, हाथ जो है ना ऐसे आराम से ना वहाँ पे फ्रीज हो जाए, बुरे हाल है, बुरे हाल। तो कब यहाँ से निकलेंगे, कब श्रीनगर पहुँचेंगे और कब वहाँ रूम ढूंढेंगे ये कुछ पता नहीं है, ये कुछ पता नहीं है। बारिश हो गई तो अलग बात है, और वैसे 12 बजे के बाद कहने ऊपर बारिश है और स्नोफॉल है, ओ माय गॉड, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। करंट सूरत हाल कुछ इस तरह है कि अभी टाइम हो रहा है 8:35 और हम श्रीनगर से ऑलमोस्ट 100-125 किलोमीटर अभी भी पीछे हैं। हम पहुंच गए हैं इस टाइम बनिहाल में, और लेट होने का रीज़न है कि एक बाइकर की बाइक
डाउन हो गई थी। बेसिकली हुआ क्या था कि उस अचानक आगे खड्डा आया, बाइक खड्डे में गई और उसका जो अलॉय था ना वो हो गया टेढ़ा। अब उसमें हम हवा भरते थे तो वो रुकती नहीं थी, हवा निकलती जा रही थी। फिर हमने जैसे तैसे एक दुकान ढूंढी, उसके बाद उस साइज की ट्यूब नहीं थी। फिर सनी एक दो किलोमीटर आगे गया, वो वहाँ से ट्यूब लेके आया। फिर उस भाई ने ट्यूब लगाई, हवा भरी और बाइकर हमारे आगे आगे चल रहे हैं और हमें उनके पीछे पीछे, ताकि कोई अगर गड़बड़ होती है तो हमें पता चल जाए, क्योंकि सबके नेटवर्क भी यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। तो चैलेंज ये है कि हमें श्रीनगर पहुँच कर वहाँ रूम लेना है, और 8:30 हो गए और मेरे को लगता है 12:00 बजेगा, 11:30 बजेंगे और वहाँ पर स्नोफॉल के फुल चांस बने हुए हैं। रात 12 बजे से कह रहे हैं बारिश वारिश शुरू हो जाएगी और स्नोफॉल है कल का पूरा दिन। तो अगर टाइम पर अगर हम वहाँ ना पहुँचे, हम रूम में ना घुसे, तो मामला हो जाएगा टाइट। लेकिन कर कुछ नहीं सकते, पार्ट ऑफ जर्नी है। कभी गाड़ी ख़राब, कभी बाइक का टायर पंचर, कभी बंदे को लूज मोशन, कल हो गए थे दीपक भाई को, ये सब चलता रहता है। ये सब चलता रहता है और यही मज़ा है, यही एडवेंचर है। अगर ऐसे मलाई की इतना पहुँच के छू कर मलाई की तरह आगे तो एडवेंचर थोड़ी हुआ फिर। तो लेट्स सी, सुबह से हमने सिर्फ एक वो कुलचा छोला था ना, वो छोले कुलचे, कुलचा बंद दिमाग चल रहा है, बंद हो गया है कुलचे, फिर वही बात छोले बंद के दो हमने वो खाए थे वहाँ पर, जहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन थी। एक एक चाय पी थी, चाय उसके बाद एक दो बार हो गई है, लेकिन अब थोड़ा सा बैटरी डाउन है कैमरे की भी और मेरी खुद की भी, गला बैठ चुका और ये जिंजर कैंडी खा रहे हैं, हमारे पास वर्षा नहीं है, इससे मज़ा आ रहा है, थोड़ा आराम मिलता है घरे को। तो अब श्रीनगर जाके आपको बता देंगे कब पहुँचे हैं और कहाँ रुक रहे हैं। बाकी ये तो कन्फर्म है कि कल एक अलग लेवल का एडवेंचर होने वाला है, क्योंकि स्नोफॉल होगी बहुत ज़बरदस्त, देखते हैं। ठीक है जी, कल की वेट कर। सो गाइस, फाइनली वी आर एंटरिंग जवाहर टनल। तो हम जवाहर टनल में आखिरकार पहुंच गए हैं, हालांकि हम 3 घंटे 3.5 4 घंटे शायद लेट पहुंचे हैं, लेकिन पहुंच गए हैं। अब इसके बाद श्रीनगर का सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं रह जाएगा, सारा फ्लैट ही मामला है। पीछे हमें आर्मी ने रोका था, क्योंकि जवाहर टनल में एंट्री से पहले होती है एंट्री, ड्राइवर की एंट्री, पैसेंजर की और गाड़ी की, और कभी कभी गाड़ी चेक भी हो जाती है। तो लकीली हमारी गाड़ी चेक नहीं हुई, वरना उसमें शायद कुछ नहीं मिलता। तो बस अब फटाफट पहुंचना है हमें श्रीनगर, और उससे पहले देखना है कि हमारे बाइकर्स कहां पहुंच गए हैं और कुछ खाने पीने का इंतजाम है कि नहीं है, क्योंकि भूख अब लग चुकी है बहुत ही भयंकर। हमारा डिनर ये है, हमारा पुलाव कोफ्ता जबरदस्त वाला, ये बेसन के बंदे चिकन बिरयानी, मजाक कर रहे हैं जी। ये लो जी, फाइनली हम पहुंचने वाले हैं श्रीनगर। श्रीनगर का श्री गणेश हो गया, श्रीनगर का श्री गणेश हो गया है। नाउ वी आर एंटरिंग इन श्रीनगर और कार जीप के लग रहे हैं यहाँ पे ₹115। एक खोल दिया गेट हमारे लिए, चलो जी। आज का हमारा होटल, ये हमारा गरीब रथ और ये सारे पीछे अमीर लोग। सीधी कर ले। तो दोस्तों, लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि हम पहुंच चुके हैं अपने होटल में, और होटल का नाम है होटल टाउन सेंटर।
सेंटर क्या है? होटल टाउन सेंटर। हाँ, यस सर। चलो तो फिर आज की रात हम यहाँ पर हैं। कल से देखते हैं क्या प्रोग्राम है, भी बैठ के सारे प्रोग्राम बनाएंगे। हमारी सारी बाइक्स और कार पहुँच चुकी है होटल में। रास्ते में हमें हल्की हल्की बारिश भी मिली है और हो सकता है तो स्नोफॉल भी मिल जाए। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अगर चैनल पर नए हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। ये आवाज़ कैसी आ रही है? अच्छा, गाड़ी है, मुझे लगा स्नोफॉल हो गई। मिलते हैं फिर कल एक नए दिन, नए जोश और नई लोकेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।